नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है जिसमें जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से सुरक्षा बलों की सुरक्षा की मांग की गई थी। ये याचिका सैन्य अधिकारियों की दो बेटियों द्वारा की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में सुरक्षा कर्मियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान भीड़ के हमले का सामना करने वाले सुरक्षा बलों के मानव अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। दरअसल दो सैन्य अधिकारियों की बेटियों 19 वर्षीय प्रीति केदार गोखले और 20 वर्षीय काजल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। इस याचिका में इन दोनों बेटियों ने जम्मू कश्मीर में सेवाएं दे रहे सुरक्षा बलों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की थी। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के समर्थक देशद्रोही पत्थरबाज सुरक्षा बलों के अभियानों पर खलल डालने और उनका ध्यान भटकाने के लिए उन पर पत्थर बरसाते हैं ताकि मुठभेड़ों में फंसे हुए आतंकी मौके से फरार हो सके। फिलहाल के लिए न्यूज़ पॉइंट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप जेके न्यूज़ पॉइंट।